देखिए, इस क्लिप में मैं आपको लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंबों की रचना के नियम के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि किस तरह से प्रतिबिंबों की रचना लेंसों के माध्यम से होती है। लेंसों से प्रतिबिंब की रचना के नियम हम तीन बिंदुओं के आधार पर याद रखेंगे और इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हम प्रतिबिंब की रचना भी करेंगे। सबसे पहला बिंदु हमारे पास आता है कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो किस तरह से अपवर्तन के बाद उसका रास्ता आगे का होगा या वह किस दिशा में जाएगी। ठीक इसी तरह से दूसरा बिंदु हमने लिया है कि यदि वो प्रकाश की किरण लेंस पर फोकस से होकर आपतित हो तब उसकी स्थिति क्या होगी अपवर्तन के बाद। और तीसरा बिंदु हमारे पास है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होकर लेंस पर आए तब वो किस दिशा में जाएगी और कैसी उसकी स्थिति होगी। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर हम डायग्राम के माध्यम से एक-एक कंडीशंस पर बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरती है या फिर फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यानी गुजरेगी किसमें ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा और फोकस से आती हुई प्रतीत किसमें होती है ये भी मैं इस डायग्राम में बताऊंगा कि कौन से लेंस में क्या स्थिति हमारे समक्ष आती है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। इसके दो फोकस लिए हैं मैंने, F1, F2, और एक प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो गई। अब ये अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित है तो देखिए इसको अपवर्तन के बाद कहां से होकर पास होना है, ये अपवर्तन के बाद जा रही है इसकी फोकस से होकर। इन्हें अगर उत्तल लेंस है तो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक इसी तरह की स्थिति हमारे पास अवतल लेंस में भी है। अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है, इसके फोकस है F1, F2। एक प्रकाश की किरण को हमने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किया है तो देखिए अपवर्तन के बाद क्या स्थिति बनेगी। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण इस लेंस के नेचर के हिसाब से फैल गई, मुख्य अक्ष से दूर हो गई और ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात यदि प्रकाश की किरण अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है कि यदि प्रकाश फोकस से गुजर रहा है या फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है इसका मतलब ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रहा है। देखिए अगली स्थिति में हम चलें। दूसरी स्थिति हमसे कह रही है कि यदि प्रकाश फोकस से होकर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखते हैं हम दोनों लेंसों में इसकी स्थिति। ये फिर से वही हमारे समक्ष उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के फोकस से होकर यदि देखिए प्रकाश की किरण अगर आपतित होती है तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक इसी तरह की स्थिति हमारे समक्ष फिर आएगी अगर हमारे पास अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस में देखिए प्रकाशीय केंद्र है, दो फोकस हैं और एक प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर गुजर रही है। यहां हम देख सकते हैं कि जब ये फोकस से होकर गुजरेगी तो देखिए ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। नहीं, यहां भी ये प्रतीत हो रही है फोकस से होकर जाती हुई, वाकई में फोकस से नहीं जा रही है लेकिन ये जब फोकस से होकर गुजर रही है इसका मतलब ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है। यहां एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि देखिए यहां क्या स्थिति हमारे समक्ष, ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर रही है लेकिन इस लेंस के नेचर के हिसाब से ये इसी बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और यदि ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण इस दिशा में सीधी निकल जाती। ये हमारे समक्ष पॉइंट नंबर 2 हो गया।
इस दूसरे पॉइंट के बाद हम चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 3 अर्थात लास्ट पॉइंट। और तीसरा बिंदु हमारा क्या था? तीसरा बिंदु हमारा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें क्या स्थिति बनेगी, वो बिना विचलन के जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में सीधी आगे की तरफ निकल जाएगी। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में इनकी स्थितियों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में देखते हैं। देखिए ये प्रकाशिक केंद्र ओ से जो प्रकाश की किरण गई है इसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं हुआ है और जिस रास्ते पर ये आगे की ओर निकली थी उसी रास्ते पर ये आगे की ओर बढ़ गई है। ठीक इसी तरह की स्थिति देखिए हम अवतल लेंस में भी देखते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है, ये उसी दिशा में सीधी निकल जाती है। इस तरह से हमारे पास ये तीनों स्थितियां हैं और इन तीनों बिंदुओं के आधार पर ही हम उत्तल लेंस में किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब की रचना और अवतल लेंस में किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। सारे प्रतिबिंब हमारे इन तीनों नियमों के आधार पर ही बनते हैं। इससे बहुत सारी चीजों का निर्माण हम करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब हम चले जाएं, प्रकाशिक यंत्र में जब हम जाएंगे तो प्रकाशिक यंत्र में आपका सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, दोनों में जो डायग्राम्स ड्रा होते हैं प्रतिबिंबों की जो रचना होती है वो भी इन्हीं नियमों के आधार पर ही होती है।